हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बायोवेदिक्स में। और आज हम लाए हैं आपके लिए एक और बेहद ज़रूरी वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ के मरीज दूध पी सकते हैं या नहीं। जी हाँ दोस्तों, क्या डायबिटीज़ में दूध पीने से मरीजों का ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है? इसके बारे में आपको जानकारी देंगे और बताएंगे कि डायबिटीज़ के मरीजों के लिए कौन सा दूध सबसे बेहतर है। दोस्तों, आज दी जाने वाली जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो, और मैं आपको बताऊं कि बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों तक सभी को दूध पीना सामान्य तौर पे पसंद होता है, और ये शरीर को ताकत भी प्रदान करता है और साथ ही कई पोषक तत्वों का भंडार भी है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि डायबिटीज़ के मरीजों के लिए किस तरह का दूध नुकसानदेह है और कौन सा दूध फायदेमंद है। मैं आपको बताऊँ दोस्तों कि न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स के अनुसार दूध में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक, विटामिन डी और पोटेशियम पाया जाता है। इसे कहीं ना कहीं संपूर्ण आहार माना जाता है दूध को। लेकिन इतने फायदे होने के बावजूद भी दूध सभी के लिए लाभकारी हो ऐसा जरूरी नहीं है। यानी डायबिटीज़ के मरीजों के लिए ये सोचने वाली बात है कि उन्हें कैसा दूध पीना है। दोस्तों, आप समझिए कि क्या डायबिटीज़ में दूध पिया जा सकता है कि नहीं। तो आप समझिए दोस्तों कि एक्सपर्ट्स के अनुसार दूध में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जो डायबिटीज़ के मरीजों के लिए नुकसानदेह है। हालांकि डायबिटीज़ के रोगियों को भी कुछ ना कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट जरूरी होता है, लेकिन अगर इस जरूरी मात्रा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा लेते हैं डायबिटीज़ के मरीज, तो उनके भीतर ब्लड शुगर लेवल की मात्रा बढ़ जाती है। इसी कारण कहीं ना कहीं दूध पीने से मना किया जाता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तो हम लोग खाते ही हैं। आप जो दाल रोटी खाते हैं उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है, चावल खाते हैं उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है। इसलिए दूध से एडिशनल कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर में पहुंचने का खतरा रहता है, इसकी वजह से आपको दूध पीने से मना किया जाता है। मैं आपको बताऊं दोस्तों कि आम तौर पर लोग गाय भैंस का दूध ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डायबिटीज़ के मरीजों को इसके सेवन से बिल्कुल बचना चाहिए, क्योंकि इसमें फैट और कैलोरीज की अधिकता होती है, इसीलिए ये नुकसानदेह है डायबिटीज़ वालों के लिए। मैंने पहले ही बताया आपको दोस्तों, एक्सपर्ट्स की माने तो डायबिटीज़ के मरीजों को हर डाइट में 45 से 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ही लेना है, जबकि एक गिलास दूध में लगभग 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ऐसे में दिन में एक गिलास दूध पिया तो जा सकता है, लेकिन फिर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप दिन में दूसरे फूड आइटम से कितना कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं। यानी ये मैनेजमेंट आपके लिए बढ़ जाएगा, और आपको ये देखना पड़ेगा कि ज़रूरत से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर में ना पहुँच जाए। दोस्तों, मैं आपको बताऊँ कि कुछ लोग कहते हैं कि आप लो फैट मिल्क पीजिए। आप समझिए दोस्तों कि जिस दूध में से फैट निकाल लिया जाता है उसे स्किम्ड मिल्क या लो फैट मिल्क कहते हैं। हालांकि इस दूध में फैट की मात्रा कम या बिल्कुल नहीं होती, लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट मौजूद रहते हैं दोस्तों। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि आप लो फैट मिल्क पिए या ना पिए। तो आप समझिए कि डायबिटीज़ वालों के लिए कौन सा दूध फायदेमंद है। तो इसमें कुछ खास तरह के दूध हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली बात तो यह है कि जब भी आप कोई सा भी दूध पिए तो वो लो फैट ही हो, यानी स्किम्ड मिल्क पिए, और उसमें हल्दी डाल करके पियेंगे तो वो बेहतर रहेगा, यानी हल्दी वाला दूध पी सकते हैं। कच्चा दूध पीजिए बिना पकाए, स्किम्ड मिल्क पी सकते हैं बिना पकाए, और दोस्तों कैमल मिल्क पी सकते हैं आप। कैमल मिल्क ऑनलाइन अवेलेबल है, आप घर पे मंगा करके ट्राई कीजिए, ये भी फायदेमंद माना जाता है डायबिटीज़ में। फिर उसके बाद दोस्तों गाय का दूध पीजिए, इसको भी लो फैट कर लीजिए थोड़ा सा, यानी इसमें पानी मिला करके पीजिए। और दोस्तों बादाम वाला दूध भी पी सकते हैं, ये भी डायबिटीज़ के लिए फायदेमंद माना जाता है। लेकिन एक काम कीजिएगा कि दूध का सेवन स्टार्ट करने से पहले आप अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर कर लें, यानी उससे सलाह जरूर ले लें, ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आज दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब भी कीजिए।